अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ सांभर बनाने की रेसिपी शेयर करूँगी। तो आइए देखते हैं इसे बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक कप अरहर की दाल है, यानी तुअर की दाल। इसे आधा घंटा भीगते हुए रख देंगे ढककर। सांभर में हम पाउडर मसाला नहीं यूज़ करेंगे, घर का पिसा हुआ मसाला यूज़ करेंगे। तो देखते हैं सांभर मसाला कैसे बनाते हैं। 2 टेबल स्पून अखा धनिया, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टेबल स्पून चने की दाल, कच्ची दाल है ये, 1 स्पून राय तड़के के लिए, 4 कश्मीरी लाल मिर्च, 2 हरी मिर्च, छोटी प्याज लंबी लंबी काट ली है, 1/2 टीस्पून मेथी दाना, अदरक लहसुन 1 टेबल स्पून बारीक कटा, 10 से 12 कड़ी पत्ते तड़के के लिए, 2 टेबल स्पून गीला नारियल किसा हुआ, सहजन की फली या ड्रमस्टिक इसे कहते हैं, इसका ऊपर की स्किन बहुत हार्ड होती है, इसका निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो देखिए इस तरह से आपको निकालना है। कोशिश करें कि ड्रमस्टिक और कद्दू का इस्तेमाल सांभर में ज़रूर कीजिए, इससे सांभर में टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। सांभर में कद्दू, ड्रमस्टिक, बैंगन, आलू, मूली, दूधी, चूरन, आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी ले सकते हो। सब्ज़ी की चॉइसेस आपके ऊपर है। सब्जियां छिलके काट के हो गई है। अब आप देखेंगे कि हमने कौन कौन सी सब्ज़ी ली है सांभर बनाने। 2 छोटे बैंगन लिए हैं, 1 बैंगन के 4 कट लगा लिए, 1/2 कप कद्दू, इसे ऐसे चौकोन पीस में काट लिए, 1/2 कप ऑरेंज गाजर, उसे भी ऐसे चौकोन पीस में काट लिए हैं, 150 ग्राम ड्रम स्टिक जिसे छील कर 2.5 से 3 इंच का काट लिया है, 2 टमाटर बारीक चॉप कर लेंगे, 3 से 4 भिंडी जिसे 2-2 इंच की काट ली है, और कुछ प्याज इस तरह मोटे मोटे काट लिए हैं, बिल्कुल इस तरह। अब हम लेंगे हींग। हींग बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसे बिल्कुल भी स्किप ना करें, इससे सांभर में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। एवरेज का हींग लिया है, आप कोई भी कंपनी का ले सकते हैं। गैस की फ्लेम हम ऑन करेंगे, उस पर एक पैन रख के उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हल्का सा सॉटे करेंगे। अब इसमें डाल देंगे अखा धनिया 2 टेबल स्पून, सॉटे करेंगे। अब इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च और उसे भी अच्छे से भून लेंगे हल्का सा। अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून राय। राय जैसे ही तड़कने लगेंगी इसके बाद हम डालेंगे 1 टेबल स्पून चने की दाल, ये कच्ची दाल है, हल्का सा भून लेंगे। हम चाहे तो ड्राई मसाले भी इसमें बना सकते हैं इसी तरीके से, सिर्फ इसमें तेल और पानी नहीं डालना है। हमने तेल इसमें इसलिए डाला है क्योंकि हम गीला वाला मसाला बना रहे हैं। हमने यहाँ पर 1 छोटी प्याज ली है, इसे बारीक लंबी पीसेस में काट लिए हैं। आप चाहो तो छोटे छोटे बारीक भी काट सकते हैं। 2 से 3 मिनट तक फ्राई करेंगे जब तक कि प्याज हल्की गुलाबी ना हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। इसमें हम 3 से 4 काली मिर्च ऐड करेंगे। दस से 12 कड़ी पत्ते डाल देंगे, सॉटे करेंगे। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन बारीक कटा। अब इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून फ्रेश कोकोनट। 30 सेकेंड तक भून लेंगे इसे, ज़्यादा नहीं भूनेंगे। घर के फ्रेश मसाले बेस्ट होते हैं। गैस की फ्लेम को कर देंगे बंद। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि कुकिंग प्रोसेस रुक जाए और हमें पीसने में भी आसानी हो। प्याज और मसाले भून गए हैं, ठंडा होने देंगे। मिक्सी जार में डाल के स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। मिक्सी जार में डालेंगे हम 2 हरी मिर्च और जो मसाला हमने भून के ठंडा किया है वो सब इसमें डाल देंगे।
और हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। मसालों का अच्छा सा फाइन पेस्ट बना लेंगे। अरहर की दाल जो हमने भिगो के रखी थी उसे 2 से 3 पानी से अच्छे से धो के हमने कुकर में डाल दिए हैं। अब इसमें हम 1 से 1.5 गिलास पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि दाल अच्छे से भीग जाए, या फिर आप नॉर्मल दाल जैसे बनाते हैं वैसे ही पानी ऐड करके बना लीजिए। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक, और अब हाई फ्लेम पर ढक्कन लगा के इसे 3 से 4 सीटी आने देंगे। तो एक तरफ हमारी दाल बॉईल हो रही है, तब तक हम दूसरी तरफ सांभर के लिए सब्जी भून के लेंगे। भूनने के लिए हम दूसरा पैन लेंगे। पैन में 2 टेबल स्पून ऑयल गरम करेंगे। ऑयल जैसे ही गरम होता है उसमें हम प्याज डालेंगे जो हमने मोटे मोटे कट कर लिए थे। हल्का सा सॉटे करेंगे, फिर इसमें हम डालेंगे भिंडी, इसे भी हल्का सा सॉटे करेंगे। इसी तरह एक एक करके हम इसमें सारी सब्जियां जो हमने बताई थी सारी सब्जियां ऐड कर देंगे। सब्जियां जो है वो हम भून के बनाएंगे। बहुत से लोग सब्जी को कुकर में डाल के बनाते हैं। कुकर में क्या है कि सब्जी ज़्यादा गल जाती है, और जब हम सांभर में भूनते तो सब्जी जल्दी मिलती नहीं है, पूरी गल जाती है, इसलिए हम भून के बनाएंगे। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर अच्छा भून लेंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर बड़े बड़े पीसेस में काट लेंगे, बारीक बारीक नहीं काटना है, बड़े बड़े पीसेस रखना है। वो ऐड करके अच्छे से भून लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, अच्छा सा मिला लेंगे। फिर इसमें डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, अच्छे से नीचे ऊपर करके मिला लेंगे। अब हमने जो मसाला पीस के जो सांभर मसाला पेस्ट बनाया था वो डालेंगे इसमें। मसाला डाल के सब्जियों को अच्छे से 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे भून लेंगे। सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना है, उसे आधा कच्चा ही रखना है क्योंकि हमें दाल में भी उसे पकाना है। मसाला अच्छे से भून लेंगे, और फिर उसके बाद हम जो मिक्सी जार में मसाला पिसा था उसी मिक्सी जार में थोड़ा सा पानी डाल के वही पानी सब्जी में डाल देंगे, और इसे ढक कर 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे। आप देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारी दाल गल चुकी है। इसे ब्लेंड नहीं करना है, इसमें आपको सांभर जितना जाड़ा चाहिए पतला चाहिए वो हिसाब से पानी डाल के बस चम्मच से थोड़ा सा चला लेना है, बिल्कुल इस तरह। सब्जियों को हमने अच्छे से भून कर 2 मिनट तक अच्छे से उसे पकने दिया। सब्जी को आधा ही पकाया है, पूरी तरह नहीं गलाना है। अब हम इसमें उबली हुई दाल डाल देंगे। दाल डालने के बाद अच्छे से मिला लेंगे, ऊपर नीचे कर लेंगे अच्छे से। ये थोड़ा गाढ़ा है तो इसमें हम 1 कप पानी और डालेंगे, और सांभर की कंसिस्टेंसी के हिसाब से आप पानी इसमें एडजस्ट कर लीजिएगा। दाल को 1 उबाल आने तक पकने देंगे क्योंकि हमारी सब्जी थोड़ी कच्ची है, वो भी थोड़ी इसमें पक जाएंगी। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून गुड़ डालेंगे, अच्छे से हिलाएंगे इसे। 150 ग्राम बिना बीज की इमली को गर्म पानी में भिगो के छान के इसका पल्प हमने निकाल लिया है। तो 1/2 कप जितना इमली का पल्प हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे। 3 से 4 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे अच्छे से।
सब्जियां अच्छे से पक चुकी है, अब हम इसे देंगे तड़का। तड़का पैन में 2 टेबलस्पून तेल हमने गरम कर लिया है, अब हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून राई। राई जब तड़कने लगे तब हम इसमें डालेंगे छोटी वाली लाल मिर्च जो इस तरह की गोल गोल होती है। मिर्ची का कलर चेंज हो जाए तो उसमें डालेंगे 1 टीस्पून हींग। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 7 से 8 कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते जैसे ही तड़कने लगे उसके बाद हम डालेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, इससे सांभर में बहुत अच्छा सा कलर आता है। अब ये गरम गरम तड़का हम सांभर में डाल देंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है सांभर की, और ये तड़का देने के बाद तो बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तड़का देने के बाद इसे एक बॉईल आने देंगे अच्छा सा। हमारी सब्जी भी ओवर कुक नहीं हुई है, देखिए सब्जी दिखाई दे रही है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। हमारा गर्मा गर्म सांभर बन के रेडी है। इस स्टेज पे हम गैस ऑफ कर देंगे। सांभर को हम डिश आउट कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। देखिए आपको मैं सांभर की कंसिस्टेंसी बताती हूँ। देखिए हमारा सांभर न ज़्यादा पतला है न ज़्यादा गाढ़ा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। देखिए सांभर कितना अच्छा लग रहा है, और इस पर सब्जी भी पूरी गली नहीं है, जैसे कि वैसे दिखाई दे रही है सब्जी, और ये पक भी गई है। आपने देखा घर के मसालों से ही हमने कितनी आसानी से घर में सांभर बनाया। हरे धनिए से इस पर गार्निश करेंगे। अगर आपको सांभर की रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।